Hello everyone, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, we are going to cover all important current affairs of 26 June. For PDF of this video, link आपको description में मिलेगा. PDF के लिए आप हमें Telegram पे join कर सकते हो. सारे PDF आपको Telegram पे एक साथ मिल जाते हैं. If you really want to score good in your GS and current affairs section, you must have to join next exam IQ our Telegram group. Daily test conduct करवाया जा रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा beneficial रहेगा for your exam. आप चाहे किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो, so अभी जाके सर्च करके join कर लीजिए next exam IQ. आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए. साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन, डेली करंट अफेयर का वीडियो मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है. शुरू करेंगे फिर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? सिंस 1989 इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. आज के दिन यानी कि 26 जून इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपने याद रखना है. एंड फर्स्ट टाइम इसे एनुअली ऑब्जर्व किया गया था 26 जून 1989. ये भी आप याद रखेंगे. एंड इस बारी का थीम आपने याद रखना है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर. बाकी डिटेल्स भी आपको इसके बारे में दे दी गई है. सो थीम आपने याद रखना है 2020 का, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर. फर्स्ट टाइम 26 जून 1989 है, 26 जून हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है. इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा जून मंथ का. सो सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज अवर इंडियन रीजन, इंडियाज एवरेज टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1901 टू 2018. सो 1901 से लेकर 2018 के बिटवीन हमारा एवरेज टेम्परेचर इंडिया का कितना इंक्रीज हुआ? 0.7 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर पॉइंट आपने याद रखना है, 2099 तक यानी कि इस सेंचुरी के एंड होने के एक साल पहले तक एक प्रिडिक्शन दिया गया 2099 तक, इन केस ऑफ बेस्ट सिनेरियो अगर हम कार्बन इमिशन को रोक पाए, एट डैट केस 2.7 डिग्री सेल्सियस जो हमारे इंडिया का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा 2.7 डिग्री सेल्सियस. बट अगर हम इसमें प्रॉपरली काम नहीं कर पाए, एट डैट केस 4.4 डिग्री सेल्सियस हमारे इंडिया का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ओके, याद रखिएगा. सो 0.7 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड विच मेडिसन फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड-19. सो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसे अप्रूवल दे दिया गया. विजय सोमानी डायरेक्टर हैं, आपने याद रखना है. एंड इस मेडिसिन का नाम क्या है? फेविपिराविर. एंड मार्केट में आपको ये फेबीफ्लू के नाम से मिलेगी. 103 यानी कि 103 रुपए की एक टेबलेट आपको मिलेगी. एंड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड-19 ये ठीक करने में मदद करेगी. एंड मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे बना रही है. एंड जल्दी ही ये आपको मार्केट में मिलेगी. एंड विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इसे परचेज नहीं कर सकते. जब तक आपको डॉक्टर सजेस्ट नहीं करेगा तब तक आपको ये मार्केट में इजिली अवेलेबल मार्केट में तो मिलेगी, बट आपको परचेज नहीं कर पाओगे फेबीफ्लू. एंड एक और इसमें आपने याद रखना है, जो हमारे बाबा रामदेव जी द्वारा बनाई गई जो मेडिसिन कोरोनिल, एंड राइट नाउ उसके एडवर्टीजमेंट पे आयुष मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वो पहले खुद से लाइक उस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कि एक्चुअली हाँ ऐसा हुआ या फिर लाइक. क्योंकि देखो मैं आपको एक रियलिटी, हाँ एक फैक्ट बताता हूँ, हमारे इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज़ में पॉलिटिक्स इंक्लूड कर दी जाती है. बट आई वॉन्ट कि अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ, बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि 7 दिन में हमने लाइक जो उन्होंने टेस्ट किए लाइक 100% पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप राइट नाउ एक और पॉलिटिकल वॉर छिड़ जाए आयुर्वेदा एंड एलोपैथी के बिटवीन. अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ है तो सरकार को जल्दी से जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम उसे अनाउंस कर देना चाहिए कि येस दे गॉट द मेडिसन. एंड जो हमारे लोग पर डे 400 से लोग ज़्यादा अपनी जान गंवा रहे हैं, तो उनको उनको बचाया जा सके. एंड हल्के में नहीं ले सकते इस कोविड-19 को. सो आई जस्ट वॉन्ट कि अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ तो सरकार को टाइम नहीं लगाना चाहिए. ओके, सो वो कोरोनिल एंड दिस इज फेबीफ्लू, ये आपने दोनों याद रखने. ओके, सो नेक्स्ट करते हैं. देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड किया जा रहा है. ई बुक है आपके लिए 69 रुपीज़ में. दिसंबर 2019 से लेकर मई 2020 2000+ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आपको स्पेशल ई बुक में मिल जाएंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर इसे परचेज करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं. एंड वन मोर पॉइंट, इफ यू रियली वॉन्ट टू स्कोर गुड इन यूर जी एस एंड करंट अफेयर सेक्शन, ज्वाइन नेक्स्ट एग्जाम आई क्यू फॉर योर बेनिफिट. सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सो नेक्स्ट इज, रिसेंटली कैबिनेट गिव्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू कुशीनगर एयरपोर्ट. सो कैबिनेट ने इंटरनेशनल लग गया जिस एयरपोर्ट के साथ, कुशीनगर एयरपोर्ट के साथ, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट में है ये एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट नाउ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा
दे दिया गया इसे कैबिनेट द्वारा। करेक्ट आंसर इज यूपी। यूपी के बारे में, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, सीएम है जी योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च ए नेविगेशन सैटेलाइट बायडू। तो कौन सी कंट्री द्वारा इसका परीक्षण किया गया एंड दिस वॉज द फाइनल फेज ऑफ दिस नेविगेशन सैटेलाइट बायडो। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चाइना, याद रखिएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड देविका एंड पुनेजा ब्रिज, दो ब्रिज का उद्घाटन किया एंड ये दोनों ब्रिज बनाए गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एंड डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर एंड एक हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में है, ये दोनों ब्रिज देविका उधमपुर में एंड पुनेजा डोडा में। सो इसका उद्घाटन किया। अब आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट एंड यूटी में, वेल जम्मू एंड कश्मीर वाले तो समझ गए एग्जैक्टली। करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गिरीश चंद्र मुर्मू एंड विंटर कैपिटल इज जम्मू एंड समर कैपिटल इज श्रीनगर। वेल जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है तो सभी लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू पुट ऑल कोऑपरेटिव बैंक अंडर सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो जितने भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं नाउ अंडर सुपरविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपने याद रखना है, ऐसा सरकार ऑर्डिनेंस पास करेगी। टोटल कितने बैंक्स हैं ये भी डिटेल एड ऑन कर दिए गए, ये आप याद रखिएगा। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक डेटा अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम रिवील्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, इंडिया हैज रिटेन इट्स पोजिशन इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी फॉर द ईयर 2017। तो भारत ने अपना पोजिशन रिटेन किया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। बाकी फिगर्स पूरी यहाँ पे आपको दे दी गई हैं। एंड नंबर वन पे कौन सा है जी कंट्री, नंबर वन पे है चाइना एंड सेकंड पे है यूएसए, ये आपने याद रखना है। बट अगर ओवरऑल बात की जाए इकोनॉमीज तो हमारे इंडिया सिक्स्थ नंबर पे, छःवें नंबर पे, सिक्स्थ नंबर पे। ओके, एंड उस केस में नंबर वन पे यूएसए है लार्जेस्ट इकॉनमी की अगर बात की जाए, सेकेंड नंबर पे चाइना है एंड दिस इज़ द रिपोर्ट लाइक परचेजिंग पावर की रिपोर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया का रैंक तीसरे नंबर पे है, ये आपने याद रखना है। ओके, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लाइक मेन इसका फोकस साउथ एशियन रीजन की बात की जाए इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19, स्टेट्स डैट 240 मिलियन चिल्ड्रंस आर क्लासिफाइड एज पुअर एंड द करंट कोविड 19 सिचुएशन विल इफेक्ट एन एडिशनल 120 मिलियन चिल्ड्रंस एंड टोटल नंबर ऑफ 360 मिलियन चिल्ड्रंस विल बी पुश्ड इनटू पॉवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी इन द नेक्स्ट सिक्स मंथ। सो दीज आर द रिपोर्ट्स बाय यूनिसेफ, ये आपने याद रखना है। एंड कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर एमसीक्यू में लाओ, वेल देखो जिस चीज़ में मैं जो आपको थियोरटिकल चीज़ें में जहाँ बेस्ट रहेंगी वही आपको प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ एमसीक्यूज बेस्ट रहेगा वहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आने की कोशिश करो क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या है कि वो कंफर्ट जोन में देखेंगे हाँ एमसीक्यू है टिक मारना है, वैसा नहीं होता, कुछ चीज़ों को अपने पढ़ना भी पड़ता है। इफ यू रियली वॉन्ट टू डू समथिंग यू हैव टू डू बाय दिस वे। ओके, सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया बिकेम द 12th लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एट द एंड ऑफ अप्रैल। सो दीज आर द रिपोर्ट्स, इंडिया 12th नंबर पे है लार्जेस्ट लाइक होल्डर ऑफ यूएस सिक्योरिटीज, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लाइक इन केस ऑफ बॉन्ड्स बिल्स इस तरीके की आप कह सकते हो। एंड बाकी अगर टॉप की अगर बात की जाए तो टॉप है जी इन केस ऑफ लाइक होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जापान नंबर वन पे है विद द टोटल लाइक वैल्यू ऑफ 1.266 ट्रिलियन डॉलर, याद रखिएगा। इंडिया का भी आप याद रख लीजिएगा 157.4 बिलियन एंड जापान ट्रिलियन में है। ओके, सो नेक्स्ट इज एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्च युक्ति 2.0 फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। सो इसे लॉन्च किया गया, दिस इज अ सेकेंड एडिशन विच हेल्प इन फॉस्टरिंग द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तो आपने याद रखना एचआरडी मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशांक, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार देहरादून, याद रखना आपने। 12th क्वेश्चन है कन्वर लाल द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा अनाउंस द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा
अंडर द चीफ मिनिस्टर डिफेंस एजुकेशनल प्रोग्राम साइंड एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो टीवी टू बेनिफिट अराउंड 52 लाख रूरल स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस कोविड 19 पेंडेमिक। ये आप याद रखिएगा, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम कन्वर लाल है, ये आप याद रखेंगे। समझौता किया जी, एग्रीमेंट साइन किया रिलायंस जियो टीवी के साथ। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ अप्रूव 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई, दिस इज नॉट क्वालिटी, क्वालिफाई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो इसे क्वालिफाई जो करेंगे उनके लिए 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देगी ये सरकार। सो दिस डिसीजन हैज़ बीन मेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नाउ आपको लग रहा हो कि सर ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या होती है जी, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होती है एंड वर्टिकल रिजर्वेशन होती है। अब क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ डिटेल पूरी दी गई है। द हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होती है इज इन द फेवर ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड अंडर क्लॉ 1 ऑफ आर्टिकल 16, एंड जिसे हम हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज वर्टिकल रिजर्वेशन, द रिजर्वेशन विच इज इन द फेवर ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लास, उसको हम वर्टिकल रिजर्वेशन कहते हैं। दोनों आप याद रखिएगा। एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु, याद रखना आपने। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली नासा एस्ट्रोनॉमर्स हैज डिस्कवर्ड द रिमार्केबल न्यूट्रॉन स्टार विच इज नोन एज स्विफ्ट 1818.01607 इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड। तो ये न्यूट्रॉन स्टार है, लाइक आप एक बड़े स्टार का एक टूटा हुआ हिस्सा कह सकते हो, काफ़ी डेंस स्टार है ये, दिस इज न्यूट्रॉन स्टार। नाउ इसे डिस्कवर किया गया नासा के एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड। सो करेक्ट आंसर इज 240 ईयर्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज USA has suspended H-1B visa till December 2020। सो 2020 की यानी कि इस साल के ख़त्म होने तक इस पर सस्पेंड लगा दिया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइंड एन ऑर्डर टेम्प्ररी सस्पेंडिंग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा कोई भी ले सकता है एंड वहाँ पे आके काम कर सकता है। लेकिन वीज़ाज को कैटेगराइज किया जाता है H-1B, उसके बाद H-2B एंड L वीज़ा होल्डर्स, जो जॉब्स के लिए लाइक US में जो जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड है उनके लिए वीज़ा होता है, तो उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, आपको पता है कि COVID-19 की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है US में, तो US सरकार चाहते हैं कि पहले वहीं के लोगों को फिर से स्टैंड किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए अनलेस बाहर के लोगों को। तो कुछ टाइम के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया US द्वारा, US डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये ऑर्डर पे साइन किया गया। सो आई होप क्लियर है। नाउ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं, आज 15 क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड, नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग आपके लिए यहाँ ऑप्शन नहीं है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्पोक्स पर्सन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यू हैव टू आंसर। विच सैटेलाइट ऑफ नासा विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। काफ़ी बारी रिवाइज करवाया मैंने आपको, आई वॉन्ट कि ये सभी लोग आंसर कर पाएँ एंड आई होप कि आप लोग इसे आंसर कर भी पाते हो। एंड आई नो कि स्टूडेंट्स लाइक दे वॉन्ट कि हाँ हमें आता है, वी डोंट वॉन्ट टू कमेंट, बट यू हैव टू कमेंट। विच स्टेट पब्लिक यूनियन टेरेटरी लॉन्च 5T एक्शन प्लान टू कर्व विद COVID-19, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एंड रेणुका लेक कौन सी इंडियन स्टेट में है ये बताओ। गारसेन इज नाउ द विंटर कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, काफ़ी ईजी हैं, ट्राई टू आंसर एंड आफ्टर दिस यू कैन क्रॉस चेक यूर आंसर्स। सो ये रहे जी आपके आंसर्स। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड जो मैं डिस्कशन की बात कर रहा था रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, वेल देखो 2G की बात चल रही है, तो 2G तो हम सबको पता है कि 2G चल रहा है। वेल मैंने 2 वीडियोज़ बनाए थे, आई होप आपको याद है, स्टूडेंट्स ने ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, रिलेटेड टू एक योजना हमारी सरकार ने बनाई है उसी पे एक डिस्कशन के लिए मैंने वीडियोज़ बनाए थे। एंड आई एम रियली सरप्राइज टू सी द कमेंट ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक फ्रॉम माई UT जम्मू एंड कश्मीर, लाइक आई एम रियली सरप्राइज कि यू नो लाइक वो क्या स्कीम थी हमारी सरकार की। द स्कीम वॉज लाइक डैट लाइक स्कॉलरशिप टू द लाइक फैमिलीज ऑफ किल्ड मिलिटेंट, जो टेररिस्ट हमारी लाइक हमारे जवानों को हमारे मासूम लोगों को मार देते हैं
उनके लिए जो सरकार ने योजना बनाई है, मैं उसी पे सवाल उठा रहा था कि लाइक इसके पीछे सरकार का क्या इंटेंशन हो सकता है। 27 स्कीम्स हमारी सरकार ने लॉन्च किए हैं, यानी कि डोर स्टेप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी हमारे जम्मू एंड कश्मीर वालों को, हम सारी चीज़ें ऑनलाइन करेंगे। वेल, वो तो एक हमारे लिए एक सपना ही है, क्योंकि वो उनको उस जो साइट्स पे उसको उस पे लॉगिन करना इतना मुश्किल है क्योंकि 2G चल रहा है। एंड उस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये कैसी योजना जो हमारी सरकार बना रही है, लाइक स्कॉलरशिप टू द लाइक फैमिलीज ऑफ किल्ड मेडिसन। सो आई वॉज रियली सरप्राइज कि एंड यू नो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर वी आर गोइंग टू अनसब्सक्राइब यूर चैनल बिकॉज आपने एक गलत मुद्दा उठाया। सो आई डोंट वॉन्ट कि मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द मेंटेलिटी ऑफ सम ऑफ द पीपल्स, इवन सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स दे आर कमेंटिंग एंड यू नो दे अनसब्सक्राइब फ्रॉम माई चैनल। आई एम रियली हैप्पी नाउ, ओके। सो आई डोंट वॉन्ट डेटा विद पीपल्स इन माई चैनल। एंड जो रियलिटी है, अगर आप उसको फेस नहीं कर सकते, यू डोंट हैव एनी राइट टू बी हेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए एंड इसे सपोर्ट जरूर कर दीजिए अगर आपको ये पसंद आया, और अगर नहीं पसंद आया, अगर ये बातें अगर किसी को स्टिल बुरी लग रही हैं, सो इट्स योर चॉइस, डेमोक्रेसी है भाई, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड देर आर लॉट ऑफ चैनल्स टू यू कैन वॉच एनी जहाँ आपको बेनिफिट मिलता है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।